बनाया है हम सबके लिए, ताकि हम प्रभु के सत्य को जान पाए और उस सत्य के अनुसार हम देख पाए। मेरे भाई और बहनों, एक चीज हम हमारे जीवन में हम देखते हैं, ठीक है, कि भले कुछ भी रहे हमारे जीवन में, मतलब प्रभु, शैतान, दुनिया, चमड़ी, दुनिया की चीजें, बहुत कुछ है जब हम ये जीवन में हम देखते हैं, जब ये संसार में हम देखते हैं, बहुत सारा ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रेस्टोरेंट में भी जाना है, आपको वैरायटी मिलेगा। साउथ इंडियन खाना है, उसके लिए साउथ इंडियन एक रेस्टोरेंट स्पेशलाइज्ड है, जहां पर सिर्फ इडली, डोसा, वड़ा और बहुत सारे चीजें मिलेगा। अगर आपको पंजाबी में खाना है, छोले पनीर, वो बहुत सारे चीज है। अगर आपको कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाना है, उधर भी आपको जो जनरल जो खाने रहते हैं वो वैरायटी आपको मिलेंगे। सो अगर खाने में इतना सारा वैरायटी है, पहने में वैरायटी है, मॉल में जाओगे उधर भी वैरायटी है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ खाना अच्छा लगा और साथ में आपको दूसरा भी खाना अच्छा लगा, फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट है पिज्जा, मगर आपने देखा बर्गर, आपको बर्गर भी खाना है, पिज्जा भी खाना है, उसमें वेज भी है, नॉन वेज भी है, अलग अलग प्रकार के हैं, मगर आपको सब खाना है, कि आप सब खाएंगे जो उस रेस्टोरेंट में मिलता है? मेरे को पता नहीं आपके बारे में, मैं ऑफकोर्स मैं नहीं खाऊंगा। जैसे ही मेरे को ये सब पता चलेगा, ऑलरेडी मेरा पेट भर गया होगा, मैं बोलूंगा इतने सारे चीज, मन तो है, इच्छा तो है सब खाने की, मगर पेट में उतनी जगह नहीं है, वो सब रेस्टोरेंट में जो भी है किचन में वो सब मेरे पेट के अंदर आए, तो मैं क्या करूंगा? मैं जो चीज मेरे को पसंद है मैं उसको चुनूंगा, मैं उसको बढ़ाई दूंगा। बढ़ाई कैसे दूंगा? उसके बारे में सोचते हुए, ठीक है, हाँ ये मेरे को अच्छा लगा। फॉर एग्जाम्पल दही वड़ा, दही वड़ा मेरे को अच्छा लगा। हर बार जब ये फिर से और फिर से आएगा, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये मेन्यू, मगर ये दही वड़ा सबसे अच्छा है। जितना बार मैं सोचूंगा और सोचूंगा और सोचूंगा, मेरे भाई और बहनों, मैं वो चीज को मैं बढ़ाई देता हूं। अभी एक व्यक्ति उस चीज के बारे में इतना सोचता है कि अभी वो इच्छा रखता है, चलो अपने को तो यही चाहिए खाने के लिए, ये तो खाने की है। अगर आपको कुछ पहनने के लिए, ठीक है, अभी ऐसा सोचो क्रिसमस आ रहा है, अभी आपको शॉपिंग करना है, अभी मॉल में या कपड़े की दुकान में आपको 100 अलग अलग चीजें एक व्यक्ति दिखाएगा, कि आप वो सारे 100 ड्रेसेस आप खरीद लोगे? नहीं, आप क्या करोगे? आप उसमें से एक चुनोगे, जो चीज के बारे में आप फिर से देखोगे और बोलेंगे नहीं ये ऑरेंज वाला नहीं, ये ब्लू वाला नहीं, वो रेड वाला नहीं, वो ब्लू वाला पैटर्न जो है। आप जितना एक चीज को आप पसंद करते हो, आप उसके बारे में ही आप फिर से और फिर से अपने आप को आप बोलोगे। आप जितना आप जैसे आप देखोगे उस प्रकार आप वो चीज को बढ़ाई दोगे और वो चीज को हम खरीद लेते हैं। आप देख रहे हो, वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में प्रभु है, ऑफकोर्स दुश्मन नहीं है, ही इज ऑलरेडी रिजेक्टेड, उसे प्रभु ने सर्वनाश करते हुए, उसके सारे शक्ति को सर्वनाश करते हुए आज वो हमारे जीवन में अनवांटेड है, कचरा है वो। मगर कुछ लोगों ने, कुछ नहीं, ये दुनिया में कई लोगों ने उस कचरे को इतना महत्व दिया है, इतना महत्व दिया है कि जो प्रभु को महत्वता देना है उसको लोगों ने कम या कोई महत्व नहीं दिया है, और दुश्मन को महत्व देते हुए हम देखते हैं दुश्मन के हर एक कार्य दिखने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, दुश्मन चाहता था यीशु दुश्मन को महत्व दे। इधर है मती चैप्टर 4, लूक चैप्टर 4, उस 3 परीक्षा होती है, उसमें से ये एक परीक्षा है कि तू मेरे सामने झुक,
तू मेरे अधीन हो और मैं तेरे को ये पूरी दुनिया और दुनिया के सुख विलास भोग विलास वो सब मैं तुझे दे दूंगा। आप देख रहे हो अभी प्रभु कभी भी उसके परीक्षा में वो फेल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो महत्व था उसने कभी दुश्मन को दिया ही नहीं। प्रभु भी कभी कभी हमारे जैसे वो बोल सकते थे हुंपन मानस छू हुंपन नबड़ाई छे मारा मा नबड़ाई छे मेरे में वीकनेस है। तो कभी कभी मैं परीक्षा में फेल हो जाता हूं भूल हो जाता है। बिल्कुल नहीं प्रभु। आप बोलोगे अरे वो तो प्रभु थे। प्रभु ने उनका पद उधर छोड़कर वो हमारे बीच में 100% मानव और पवित्र जीवन उन्होंने जिया। मगर ऐसे समयों में भी प्रभु ने कोई महत्व नहीं दिया जो दुश्मन चाहता था कि यीशु उसको महत्व दे। तो आज मेरे भाइयों और बहनों आज हम जानेंगे भले हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी दुख बीमारी तकलीफ एलर्जी इन्फेक्शन जो भी आप बोलो ये सारे चीजें आती हैं मगर जब आप उस पर आप कोई ध्यान नहीं देते हो और प्रभु के शब्द को आप महत्व या बढ़ाई देते हो आप देखोगे जो प्रभु का शब्द कहता है वो प्रकट होगा। ना ही वो बीमारी ना ही वो दर्द ना ही जो शैतान जो आपको आकर्षित करता है ताकि हम उसको महत्व दें। हालेलुया। चलिए प्रभु का शब्द क्या बताता है हम पढ़ते हैं। पहला शब्द हम देखते हैं स्रोत ग्रंथ भजन संहिता साम्स चैप्टर 34 वर्स 1-3 पढ़िए। दाऊद का भजन। जब वह अबीमेलेक के सामने पागल सा बना। नहीं साम्स भजन संहिता यस चैप्टर 34 यस वर्स 1-3 यस ठीक है। मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहूंगा। यहां से मैं हर समय प्रभु को मैं धन्यवाद कहूंगा। आप देख रहे हो हर समय अगर कुछ होता है तब नहीं भले वो दिन हो रात हो भले कोई अच्छा कोई बुरा हो ऐसा नहीं है कि बुराई प्रभु ने किया है मगर तभी भी मैं प्रभु को मैं धन्यवाद दूंगा। आई विल ब्लेस द लॉर्ड। आपने कभी सोचा है ये क्या है ब्लेस द लॉर्ड? अंग्रेजी में लिखा हो रहता है ब्लेस द लॉर्ड मतलब प्रभु को आशीर्वाद देना। ओ बिल्कुल नहीं। ब्लेस द लॉर्ड इंग्लिश में हर बार ये लिखा हो रहा है ब्लेस द लॉर्ड। चलिए हम ये समझते हैं ये ब्लेस द लॉर्ड का मतलब क्या है। फिर से हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं एक बच्चे का एलन। ठीक है अभी एलन मम्मी को देखता है और मम्मी को बोलता है मम्मी तुम कितने अच्छे हो आई लव यू मम्मी करके। अभी बहुत अच्छा ठीक है वो बोलता भी है वेरी गुड। वो बोलता है मम्मी सिर्फ तुम्हें प्यार नहीं बहुत प्यार करता हूं करके। अभी मम्मी को क्या अनुभव होगा? अभी एलन ने कुछ दिया नहीं है मगर जब एलन ने दिल से जब उसने अपनी मम्मी को बोला मम्मी को एक अनुभव होता है एक ऐसा फील होता है कि मेरे लड़के ने मेरे को ऐसा बोला करके। कभी कभी लोग बोलते हैं मालूम है अरे ये कितना बार मिलता है मेरे को एक बार भी बोलता नहीं है कैसा है करके। मगर फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई कोई व्यक्ति पूछे कैसा है या कैसा नहीं है मगर लोग बोलते हैं अरे जब उसने मेरे को पूछा तो मेरे को कितना सुकून लगा। यू फील ब्लेस्ड यू फील ऑनर्ड। एक अलग प्रकार का है आप अनुभव करोगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी ने इस तरह से मेरे को बोला। समझ रहे हो? सो वैसे ही प्रभु का शब्द यहां पर बताता है। तो जब हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं जब हम हर एक पल प्रभु को स्तुति आराधना करते हैं ही फील ब्लेस्ड। वो इसी तरीके से मेरे पुत्र ने इस तरह से बोला मेरी पुत्री ने इस तरह से बोला। दैट्स व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स। हर एक क्षण मैं प्रभु की
स्तुति करूं। फिर आगे उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। मतलब ये जीभ से किसी भी प्रकार की अनशन शब्द नहीं मगर उसकी स्तुति। और ये सबको क्या बोलते हैं आगे हम देखेंगे। फिर पढ़िए वर्स 2। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मैं किस में घमंड करूंगा? प्रभु पर मैं घमंड करूंगा, मुझ में नहीं। उसको बोलते घमंडी व्यक्ति। मगर जो व्यक्ति प्रभु पर घमंड करता है मतलब प्रभु आपने ये किया है, आपका शब्द बोलता है, प्रभु मैं आपको महत्व देता हूं, ठीक है, वो है प्रभु की प्रशंसा करना। ठीक है आगे, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। फिर मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यहां पर आप देख रहे हो किसकी बड़ाई करो? प्रभु की बड़ाई करो, प्रभु की बड़ाई करो। इन शॉर्ट आप जो व्यक्ति को या कोई वस्तु को आप बड़ाई करोगे वो चीज आपके लिए बड़ी होती रहेगी, बाकी सब चीज छोटी होती रहेगी। उदाहरण के तौर पर अभी दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? राइट, एंजल ने मेरे शब्द छीन लिया, कोरोना वायरस। ठीक है, ये एक्चुअली था मगर किसी को पता नहीं था कि ऐसा भी वायरस है करके, मगर अभी एकदम फेमस हो गया है। अभी क्या बोलते हैं, अभी सब लोगों को मालूम है। कब? जब लोगों ने वो चीज की बढ़ाई करने लगे। एक व्यक्ति को एक सरदर्द होता है तो वो सोचता है मेरे को ये हो गया, देखो कितना हिट हो गया है, इसको किसी की एडवर्टाइजमेंट, ये वायरस को अपने आप को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं थी, मगर वो खुद अपने आप ऐसे जंगल की आग जैसा लग चुका है पूरे दुनिया में कि लोग अभी इसको सोचते हुए इसकी बढ़ाई करते हैं जितना प्रभु की नहीं करते हैं। Praise the Lord। मेरे भाइयों और बहनों, आप मानो या ना मानो, कितने सारे लोग मैंने देखा है जो एक्चुअली उनमें कोरोना वायरस है मगर यूं ही मुक्त हो जाते हैं। आज एक बहन के साथ मैं बात कर रहा था, ये लेटेस्ट डे अभी जो शाम को हुआ है, बहन आए, कोरोना वायरस का सिम्टम ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है, कि इसमें स्मेल इसको पता नहीं रहता है या टेस्ट पता नहीं रहता है। वो बहन जब प्रभु के शब्द को वो जानती थी, जैसे ये सब अनुभव करती थी, उसने बोला हेलो यू गेट आउट, तुम ये शरीर में से बाहर निकलो क्योंकि ये जगह तुम्हारा नहीं है। उन्होंने प्रार्थना किया और उसी क्षण हम देखते हैं सुबह ये बहन पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। जो लोगों को 4-6 लाख दे के लोग 15-20 दिन लगाते हैं, यहां पर ये बहन प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए, प्रभु के शब्द के ऊपर विश्वास करते हुए, वो इतनी फ्रेश, प्रभु का आनंद, प्रभु का चंगाई अनुभव करते हुए ये बहन अभी पूरी तरह से साझापन मिल चुका है। एक और एग्जांपल देता हूं, मेरी एक कजिन बहन है, मदुरई से उसने कॉल किया, उसने बोला कि मेरे को फीवर है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, वो डॉक्टर है एक्चुअली, एक हॉस्पिटल में वो काम करती है, और बोलती है मेरे को ये सब हो रहा है करके। हमको मालूम है कि कोरोना वायरस ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु के विरुद्ध कार्य कर सकता है। एक सिंपल सा प्रार्थना किया और वो कॉल खत्म हुआ। अभी वही बहन मेरे को कॉल करती है और बोलती है कि जब से हमने प्रार्थना वो खत्म किया है, मैंने कोई दवाई लिया नहीं। मेरा हस्बैंड मेरे को बोलता था दवाई ले, दवाई ले, दवाई ले, मैंने लिया ही नहीं, कोई भी दवाई लिया ही नहीं, और वो जो फीवर था वो चला गया क्योंकि वो 100 डिग्री तक था वो फीवर। और जब वो हॉस्पिटल में कब बोलती थी मैं आ रही हूं करके, सब लोग बोलते थे नहीं मत आओ मत आओ मत आओ, और जैसे वो सुबह उठती है वो और फ्रेश हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। और भी अभी वो ये भी बोलती है कि मेरे हृदय में कुछ तो जलता है, मेरे हृदय में कुछ तो जलता रहता है, और ये मेरे को फिर से और फिर से बोलता है देख
तेरे को प्रभु कितना प्यार करता है, प्रभु देख तेरे को कितना प्यार करता है। जब ये मेरी कजिन बहन ने ये बोला, मैंने बोला वो पवित्र आत्मा है। हाँ, वो कल से जल रहा है मेरे हृदय में, मेरे हृदय में ऐसा कोई जलन है, जलन हो रही है, जलन हो रही है। और कोई तो मेरे को बोल रहा है कि देख तेरे को प्रभु कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। वो किचन में खाना पका रही है और ये फीलिंग उसको आ रहा है। अभी ये बोलती है, उसको अन्य भाषाएं ये सब शायद उसको नहीं मालूम, और ये बोलती है कि मेरे अंदर से कुछ बोलता है प्रभु की स्तुति करने के लिए, मगर वो हालेलुया थैंक यू जीसस वो नहीं, मगर कुछ तो ये बोल रहा है यहां से अंदर, कुछ तो है प्रभु की ऐसी प्रशंसा करने के लिए। मैं समझ गया ये है प्रभु का अन्य भाषा, जो प्रभु चाहते हैं ये बिटिया बोले। ये जो मेरी बहन है वो कैरिज्मेटिक रिट्रीट्स या मीटिंग्स उतना वो अटेंड नहीं करती है, ठीक है। सो ये बहन इस तरह से बोलती है, मैंने बोला चलो अभी हम स्तुति और आराधना करते हैं, और देखो तुम अन्य भाषाओं, अन्य भाषा के बारे में सुना है तुमने? वो बोलती है हाँ। और जैसे ही हम स्तुति आराधना करने लगे, ये बहन जिसको कुछ नहीं मालूम अन्य भाषाओं के बारे में, वो बोलती है पता नहीं मेरे जीभ अलग अलग प्रकार उसके कंट्रोल में नहीं है, और जैसे जैसे स्तुति आराधना हो रही थी मेरा जीभ कुछ और हो रहा था, उसको भी पता नहीं क्या हो रहा था करके। मतलब वो अन्य भाषाएं जहां पर पवित्र आत्मा वो जीभ का वो कंट्रोल करते हैं और वो उनके शब्द को रिलीज करते हैं। चंगाई कहां, चंगाई के लिए प्रार्थना किया, और कहां आके प्रभु उसे कहां से कहां ले चल रहा है। Praise the Lord, thank you Jesus। कहां ये 100 degree का फीवर, और कहां कैसी वो मुक्ति हुई बिना कोई मेडिकेशन के, सिर्फ और सिर्फ प्रभु और पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये अभी भी उसको मन में होता है कि देख वो प्रभु कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। और ये वापस और वापस और वापस वो काम कर रही है। तभी भी जब कोई काम करता है, कोई कॉन्सेंट्रेट करता है उसके काम के ऊपर, कितना नमक डालना है, कितना चीनी डालना है, कितना पानी डालना है, कितना दाल डालना है और कितना चावल डालना है, मगर ये सब होने के साथ साथ प्रभु उसके साथ बोलता है देख तेरे को प्रभु कितना प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, इसके लिए प्रभु का शब्द यहां पर यह बताता है, verse 3, ओ मैग्निफाई द लॉर्ड विद मी, प्रभु की बढ़ाई करो, एंड लेट अस एग्जॉल्ट हिज नेम टुगेदर। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी हम बढ़ाई कर सकते। बढ़ाई मतलब उस चीज के बारे में सोचना, उस व्यक्ति के बारे में सोचना। जब आपने प्लेन देखा है जब वो आसमान में उड़ता है, यस आप लोगों ने देखा है कितना बड़ा रहता है वो प्लेन, कितना बड़ा रहता है, इतना बड़ा, इतना रहता है, इतना इतना ही दिखता है छोटा। मगर आप जैसे जैसे उसके पास जाओगे आप बोलोगे अरे ये विमान तो कितना बड़ा है, ये प्लेन कितना एक्चुअली बड़ा है, मगर जब दूर से देखते तो छोटा दिखाई देता है। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जैसे ही हमारे जीवन में बीमारी या कोई परिस्थिति आती है या कोई नेगेटिव सोच आता है, हम क्या करते हैं मालूम है? हम उसके पास और जाते हैं और उसे बड़ा दिखाई देने लगता है। मगर जितना उससे दूर और दूर और दूर जाएंगे, हमारे लिए उतना ही छोटा और छोटा दिखाई देने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। सो इन शॉर्ट, जो चीज, जो व्यक्ति के पास आप और नजदीक जाओगे, वो व्यक्ति आपके लिए बड़ा और बड़ा और बड़ा दिखेगा। उदाहरण के तौर पर एक और, बहुत बार एल्मा और मैं, हम लोग एक छोटे बच्चे जैसे रहते हैं एक्चुअली घर के अंदर। जब मेरे को बापू नगर अहमदाबाद जाना था प्रीचिंग के लिए, मैं पहली बार वो विस्तार में जा रहा हूं, तो एल्मा ने बोला चलो जीपीएस में डाल के देखते हैं किधर है करके। तो उसने जीपीएस में डाल के देखा, बड़ौदा एक एंड में है और ये बापू नगर ये चर्च एक एंड में है। और वो ऐसा मेरे को बोलती थी, देखो, उसको जूम आउट करती थी और बोलती थी देखो
कितना पास है, कितना पास है। मैंने पूरा जूम आउट किया और देखा, हमको जाने की भी जरूरत भी नहीं है, देखो और पास हो गया है वो मैप में, वो जीपीएस में। वैसे ही जब हम देखते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं है, मगर जितना हम जूम इन करते हैं, हमको और नजदीक जाते हैं, हम सोचने लगते हैं अरे ये देखो ये कितना बड़ा है या कितना दूर है। आज हम अलग अलग विषय हम लोगों के जीवन से हम लेंगे कि लोग किसको एक्चुअली वो प्रभु किसकी बढ़ाई करते थे, वो प्रभु की या दुनिया और दुनिया की वस्तुओं की। कई बार लोग बीमारी की बढ़ाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एक व्यक्ति खांसता है, वो चंगाई उसको जल्दी मिलेगा या जिसको कैंसर है? हेलो, जिसको कैंसर है उसको चंगाई जल्दी वो चंगा होगा, या जिसको सर दर्द है वो चंगा होगा? कौन चंगा होगा, कौन चंगा होगा? अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन डालता हूं। क्या खतरनाक है, कैंसर खतरनाक है या आपका सर दर्द खतरनाक है? अच्छा मैं ऑप्शंस दूं, ठीक है, कैंसर खतरनाक है या आपका सर दर्द खतरनाक है? मेरे को वन और टू बताओ। कोकिला बहन एक बार वन दिखा दो, वरना दूसरा टू दिखा दो आप। अच्छा ओके, प्रेज गॉड, सब लोग एक बोलते हैं मेरे भाई और बहनों, वेरी गुड। कोई व्यक्ति ने बोला कैंसर करके, ये क्या है मालूम है, ये आपने ये बड़प्पन उसको दिया है। यू हैव एक्चुअली मैग्निफाइड कैंसर। प्रभु को पूछो, प्रभु कौन सा खतरनाक है, कैंसर खतरनाक है या सर दर्द? प्रभु बोलेगा मेरे को कोई डिफरेंस दिखता नहीं है कैंसर और सर दर्द में, दोनों मेरे लिए वो सेम ही है और ये मेरे सामने कुछ नहीं है। आप देख रहे हो, मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा मालूम है, क्योंकि हम ये सोचते हैं अगर किसी को सर दर्द होता है बोलते हैं क्या सर दर्द होता है, वो अपने आप चले जाएगा, ठीक है क्रोसिन ले लो चले जाएगा। एक है किसी को कैंसर, उसको कैंसर हुआ है, कौन सा कैंसर हुआ, कौन सा स्टेज में है, ये कभी आपने पूछा नहीं उसको जब उसको ये था सर दर्द था। अब देख रहे हो हमने एक्चुअली किसको बड़प्पन दिया है, कैंसर को दिया है। मगर प्रभु कैसे ट्रीट करता है, कैंसर हो या सर दर्द हो, वो एक ही रीत से वो ट्रीट करता है, मगर लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग है। आप समझ रहे हो, आप क्यों आपके परेशानी को देख के आप रोते हो, कोई भी व्यक्ति क्यों रोते हो मालूम है, क्योंकि हमने वो परेशानी को इतना डिटेल्ड में समझा है कि अभी वो चीज अपने को रुलाता है। मगर यही व्यक्ति जब वो प्रभु में है तभी भी ये परेशानी से जा रहा है, अभी वो प्रभु को उत्तम जगह देगा उस परेशानी को नहीं। एक बहन से यही मेरी बातचीत हो रही थी, ठीक है, कि बहन जब प्रभु यीशु में आई अभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या उनके बारे में बोल रहा है, उनके परिवार के बारे में बोल रहा है, क्या मसालेदार गॉसिप चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है ना, उसके बारे में बोलना, इसके बारे में बोलना। मगर जब एक बहन प्रभु में आई अभी वो बोलती अगर ये सब मेरे को नहीं सुनना है ये सब। अभी क्या हुआ मालूम है, एक जमाने में शायद ये सब को हम महत्व देते थे और प्रभु को नहीं, मगर जब प्रभु को दिया ये सब अपने को फीका पड़ने लगा। हालेलुया, आप समझ रहे हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है मेरे भाइयों और बहनों आपके और मेरे शरीर को हमारे जीवन को सर्वनाश कर सके जब तक हम वो चीज के बारे में सोचते हुए हम अपने आप को हम पागल बना देते हैं, हम अपने आप को वो छोटा सा कंकर को भी हम बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं, और फिर प्रभु को बोलते हैं प्रभु केटलो भारी छे आ पहाड़। प्रभु बोलता है वो पहाड़ तुमने ही बनाया है, बिल्कुल मैंने नहीं।
इसके लिए फिर से हम देखते हैं भजन संहिता 69 पार्ट 69 वर्स 30 से वर्स 31 वर्स 32 31 पढ़िए 30 से 31 मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। आप देख रहे हो स्तुति और आराधना एक्चुअली क्या है मालूम है? प्रभु की बड़ाई देना। और वो सिर्फ सेशन के 5 मिनट 10 मिनट के पहले या सेशन के 5 और 10 मिनट के बाद, वही नहीं मेरे भाई और बहनों, अभी हम जो प्रभु के शब्द को सुन रहे हैं ये भी एक आराधना है जहां पर हम प्रभु के शब्द को हम बढ़ोतरी दे रहे हैं। Praise the Lord. We all, by listening to the word of God, by hearing the word of God, by doing the word of God, by meditating on the word of God, हम वो प्रभु के शब्द को हम magnify कर रहे हैं। यहाँ पर यही बताया गया है, I will praise the name of God with a song, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा एक गीत के द्वारा, and I will magnify him with thanksgiving, मैं प्रभु की बढ़ाई करूंगा धन्यवाद देते हुए। एक परफेक्ट एग्जाम्पल प्रभु यीशु के जीवन से, जब प्रभु यीशु के सामने हजारों लोग भूखे थे और प्रभु उनको खाना खिलाना चाहते थे, प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने बढ़ाई ये नहीं किया कितने लोग वेज खाएंगे नॉन वेज खाएंगे, नहीं सॉरी ये तो आज का जेनरेशन का है, कितने लोग खाएंगे फिर हम लोग ऑर्डर करते हैं, राइट? मगर उधर ऐसा कुछ नहीं, प्रभु गिनते भी नहीं है, मगर प्रभु को मालूम है हजारों लोग की संख्या मेरे सामने खड़ी है और वो भूखी है, क्योंकि सुबह से ये लोग मेरा शब्द सुन रहे हैं, शब्द तो मिला है मगर उनके शरीर के लिए। आप देखिए प्रभु लोगों के शरीर के बारे में भी वो सोचते हैं और बोलते हैं उनके शरीर के लिए, अगर उसमें से कोई बेहोश हो गया तो, अगर इसमें से रात हो गई और घर नहीं पहुंचा तो कहां से उसको खाना मिलेगा। प्रभु सिर्फ अबा पिता को धन्यवाद देते हैं, ही मैग्निफाइज व्हाट गॉड इज, ही डज नॉट मैग्निफाई व्हाट द सिचुएशन इज। हमारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होता है मालूम है? क्योंकि हम हमारे परिस्थिति को देखते हैं और बोलते हैं यही असली है, यही मेरा प्रॉब्लम है। अगर प्रभु को भी ऐसा सोचना था तो प्रभु भी वो चमत्कार कभी कर नहीं पाता था, मगर क्योंकि प्रभु यीशु ने आपा पिता को बढ़ोतरी दिया, मैग्निफाई किया, धन्यवाद दिया, प्रभु देते हैं धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं और उसके बाद वो बांटते हैं, हजारों लोगों के पेट को वो भरते हैं, सिर्फ रोटी से नहीं मगर मच्छी से। प्रेज द लॉर्ड। यही एग्जैक्टली हम हमारे जीवन में करें, जैसे ही कोई थॉट आता है हमारे वाइफ के विरुद्ध या हस्बैंड के विरुद्ध या घर के विरुद्ध या पापा के विरुद्ध या मम्मी के विरुद्ध या भाई के विरुद्ध, मम्मी और सब तरह हर एक लोगों के विरुद्ध, बहुत सारे लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसको उत्तम जगह देने लगते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एंड इट टेक्स यू फॉर ए राइड और वो हमारे जीवन को चलाने लगता है। मगर आप जब आप उसको रिजेक्ट करते हो और प्रभु को बढ़ाई देते हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो दुश्मन का काम है फेंकना, हर एक प्रकार के सोच फेंकना, मगर जो चीज को आप बढ़ाई दोगे वो चीज आप प्रकट होते हुए देखोगे। इसके लिए आप देखिए प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा जो भी व्यक्ति है किसी भी प्रकार की बीमारी लेके आता था, प्रभु के लिए सब बीमारी सेम था। ऐसा नहीं था जैसे मैंने अभी पूछा कौन सा खतरनाक है, सब लोग बोलने लगे ये कैंसर है करके। वो तो देखो आपका रीत है उस प्रकार देखना, मगर हम प्रभु के रीत से देखें, जहां पर जैसा सरदर्द हम ट्रीट करते हैं वैसा प्रभु के लिए भी कैंसर या कोरोना वायरस है कोई भी है वो सब ऐसा। और अभी लोग अनुभव कर रहे हैं जो लोग प्रभु के शब्द को जानते हैं, प्रभु मेरा साक्षी है कितने सारे लोगों ने यूं ही
प्रभु के महान से महान कार्य वो देखते आ रहे हैं, क्योंकि उनका बढ़ावा सिर्फ प्रभु के शब्द को देना है, उनकी परिस्थिति को नहीं, उनके सिम्टम्स को नहीं जो उनके शरीर में दिखाई देता है। दुश्मन का काम है सिम्टम को दिखाना और लोगों को फंसाना। अगर आपको कोई मछली को पकड़ना है तो आपको क्या करना है, आपको एक हुक लेके जाना है और उसमें से छोटा सा एक कीड़ा या अर्थवर्म बोलते हैं, अर्थवर्म एक नूडल्स जैसा रहता है मच्छी के लिए, मच्छी का नूडल्स है हमारे लिए नहीं, हमारे लिए वो कीड़ा है। सो वो हुक में डालते हैं और वो पानी में फेंक देते हैं। मछली जैसे ही देखता है वो हुक दिखाई नहीं देता है, उसको सिर्फ यही दिखाई देता है वो मेरे लिए चाइनीज नूडल आ रहा है, चलो मैं खाता हूं करके। जैसे ही वो खाता है वो चाइनीज नूडल नहीं मगर वो एक ट्रैप था उसको फंसाने के लिए। और दुश्मन यही करता है, वो फेंकता रहता है, हर एक प्रकार की सोच फेंकता रहता है। और जिसने उसको पकड़ लिया और उसको बढ़ाई देने लगा वो फंस गया उसमें। और देखिए यहां पर जब एक व्यक्ति प्रभु की बढ़ाई करता है, प्रभु को धन्यवाद देते हुए वर्स 31 कुछ बताता है, पढ़िए वर्स 31। यहोवा को बैल से अधिक वरन सिंह और खुरवाले बैल से भी अधिक भाएगा। अब देख रहे हो, सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज दिस आल्सो शैल प्लीज द लॉर्ड बेटर देन ऑक्स और बुल विच हैज हॉर्न्स एंड हूव्स। मतलब जब लोग प्रभु के लिए वो बलिदान देते थे, गाय बैल, वो जमाने में पुराने करार में प्रभु का शब्द बताता है ये बलिदान से ज्यादा तुम जो मुझे बढ़ोतरी देते हो वो उससे बड़ा है तुम्हारी बढ़ोतरी। आप समझ रहे हो, अभी के लैंग्वेज में बोलो प्रभु बोलता है जो तुम जो सोचते हो ये फास्टिंग या धान धर्म और ये सबसे बढ़कर एक्चुअली जो तुम जिसको तुम बढ़ोतरी देते हो, अगर तुम प्रभु को बढ़ोतरी देते हो प्रभु बोलता है वो मेरे को ज्यादा प्रसन्न करता है, क्योंकि वही व्यक्ति प्रभु और प्रभु के शब्द को बढ़ोतरी दे सकता है जब उसके पास विश्वास रहता है। और प्रभु का शब्द यही हमें समझाते हैं, दिस ऑल्सो शैल प्लीज द लॉर्ड बेटर देन ऑक्स और बुल, जो लोग जो बलि के लिए चढ़ाते हैं। एक और शब्द हम देखते हैं जो पौलुस बताते हैं, एक कोरिंथियंस पार्ट 10 वर्स 13, 1 कोरिंथियंस चैप्टर 10 वर्स 13, पढ़िए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। कुछ लोग बोलते हैं मैं ये सह नहीं सकता, बहुत कुछ हो चुका है। अब देख रहे वो कब होता है मालूम है, जब हम हमारी परिस्थितियों को, लोगों को जब हम बढ़ोतरी देते हैं, when we start magnifying, when we start giving importance to lot many things which is not of kingdom of God, और उसके बाद हम बोलते हैं मैं सह नहीं सकता, ये तो मेरे सहने से ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रभु का शब्द कुछ बताता है, no temptation has overtaken you except such as is common to man। जो परेशानी, जो दुख जो आई है तुम्हारे जीवन में वो इतनी भारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबको आती है, मगर अलग अलग प्रकार से आती है, मगर सबको आती है, मगर वो इतना इंटेंसिटी नहीं रहेगा कि जितना हम उसे उठा नहीं पाएंगे, उससे भारी नहीं रहेगा। देखिए आगे फिर पढ़ते हैं, पढ़िए फिर से पढ़िए वो वर्स 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आप देख रहे हो, मगर जब एक व्यक्ति प्रभु को वो बढ़ोतरी देता है, when a person magnifies God, that means his word, वो हर बार यही देखेगा, 1 Corinthians 10:13, अगर मेरे जीवन में आया है, मेरे को प्रभु ने साथ साथ में मेरे को
इसको हैंडल करने की सामर्थ्य भी प्रभु ने मेरे को दिया है। मगर जब एक व्यक्ति प्रभु ने क्या दिया है उसको नहीं देखता है, वो यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, हम देखते हैं ही स्टार्ट्स मेसिंग हिज लाइफ। फिर उसके जीवन में हम देखते हैं वो दुख और तकलीफ और गलत गलत निर्णय, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है गॉड इज फेथफुल। हिंदी में ऐसा लिखा गॉड प्रभु सच्चा है, इंग्लिश में गॉड इज फेथफुल मतलब और भी उसका अच्छा मीनिंग है प्रभु वफादार है। वो कभी भी हमें ऐसा एक भोज उठाने नहीं देगा जो भोज एक्चुअली हमसे उठ नहीं सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं 1 पेत्रुस 5:7, अगर कोई भोज है प्रभु बोलता है वो मुझे दे दो। और एक ही व्यक्ति वो कर सकता है जो प्रभु को वो बढ़ावा देता है। Only one person, only a person who magnifies the Lord can give all his sickness, हर एक प्रकार की मांदगी, हर एक प्रकार का दर्द, हर एक प्रकार का बोझ प्रभु को देते हुए। यही हम देखते हैं 1 पेत्रुस 5:7, पढ़िए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ठीक है, जब आपको पता नहीं है उसका ध्यान है, जब आप उसके ऊपर आप उसको मैग्निफाई नहीं करते हो, उसको बड़ा हुआ आप नहीं देखते हो, आपको कभी लगेगा भी नहीं कि इसका उसको मेरा ध्यान है करके। फिर हम हमारी सारे कष्ट को हम खुद उठाते हुए हम एक खरा हुआ जीवन हम जीते हैं। मैं फिर से बोलता हूं मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में, मेरे जीवन में या किसी के जीवन में ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं आई है जो आप सह नहीं सकते हो। प्रभु बताता है अगर आई है मैं तुम्हें प्रूव करवाता हूं तुम इससे तुम गुजर सकते हो, तुम्हारे में हर एक ताकत है मेरा बल के द्वारा, मेरी कृपा के द्वारा कि उस चीज को उठा के हैंडल करने के लिए, क्योंकि प्रभु बोलता है मैं वफादार हूं। और उसके साथ साथ प्रभु बोलता है अगर ये चीज आई है साथ साथ में मैंने तुम्हें सामर्थ भी दिया है। यही वर्स 1 कुरिन्थियन्स 10:13 में हम पढ़ते हैं हु विल नॉट अलाउ यू टू बी टेम्प्टेड बियॉन्ड व्हाट यू आर एबल, ही नोज हाउ मच वी आर एबल एंड अनएबल, बट विद द टेम्प्टेशन विल ऑल्सो मेक द वे टू एस्केप। जब ये चीज भी आती है मगर साथ साथ में प्रभु वो रास्ता भी दिखाता है कैसे एक व्यक्ति उससे वो बाहर आ सकता है, दैट यू विल बी एबल टू बैर इट। मगर वो तभी होता है मेरे भाई और बहनों जब हमारा ध्यान, हमारी कान, हमारा आंख और हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ऊपर केंद्रित, ना ही वो टेम्परेरी बीमारी, दर्द, तकलीफ, ये सारे चीजें हम देखेंगे दुश्मन ट्राई करेगा डालने के लिए। और कई हद तो हम सब ये शरीर में सिम्टम्स देखेंगे मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें हमारे विरुद्ध कार्य करेगी, क्योंकि अपने तो प्रभु के हैं और जो हमारे में है वो बड़ा है वो उससे जो वो शैतान जो ये दुनिया में है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए अब हम लोगों के उदाहरण हम देखते हैं, लोगों के जीवन में कितना मुसीबत था मगर तभी भी हर एक व्यक्ति जो प्रभु को बढ़ोतरी देता है, पीपल दोस हु मैग्निफाई गॉड, उनको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। कभी कभी आपने सुना होगा लोग बोलते हैं अरे ये तो कितना इजी है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब इट इज वे सो इजी तो मैं कुछ ही मिनट में मैं कर दूंगा। मगर ये सिर्फ वही लोगों के जीवन में होता है जो लोग प्रभु को बढ़ोतरी देते हैं। पहला उदाहरण मरियम के जीवन से, लूक चैप्टर 1 वर्स 46,
मरियम के जीवन में एक्चुअली बहुत बड़ा तूफान आया था। आप लोग एग्री करते हो नहीं करते हो? प्रभु का इच्छा तो आया था, मगर दुनियादारी के रूप में देखें उनके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आया था एक बच्चे को जन्म देने के लिए, एक बच्चे को पालन और पोषण करने के लिए, वो बच्चे को हेरोद के हाथ से छुड़ाने के लिए, वो बच्चे को लेके बेथलेहम से इजिप्ट जाना, इजिप्ट से नाजरत जाना, घूम 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 फिरना। हम देखते हैं चुनौती के ऊपर चुनौती, मगर आप कहीं नहीं देखोगे मरियम कभी कंप्लेन करती है। मगर मरियम एक चीज बोलते हैं जिसके द्वारा हमको पता चलता है कैसे मरियम उनके जीवन में वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के योजनाएं और शब्द के अनुसार रही। वो शब्द जो उन्होंने गब्रियल दूत को दिया था, एक्चुअली आबा पिता को दिया था, verse 38, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा आप चाहे वैसा होने दो। वो शब्द दिया था और वो सदा सर्वदा वो उस शब्द के द्वारा वो वफादार है। और ये शब्द हम देखते हैं पढ़ते हुए Luke 1:46, क्या था वो? मरियम किसके लिए वो कभी डिस्टर्ब्ड नहीं होती थी? जब वो कलवारी पर्वत के ऊपर थी, क्रूस में देखती हुई अपने बेटे को पूरे लोगों ने उसके शरीर को फाड़ दिया, लोगों ने उसके ऊपर थूका, मारा, पीटा, मगर तभी भी मरियम ये सब सहते हुए क्या है, 1 Corinthians 10:13। और कैसे ये हम देखते हैं Luke 1:46, पढ़िए। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। यहां पर आप देख रहे हो, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। अगर उनको ये बढ़ाई करनी थी कि मैं अभी एक माँ की बच्चे होने वाली हूं, लोग बोलेंगे पापा कौन है, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। आप देख रहे हो, एक सोच को वो इतना बड़ा बना सकती थी कि वो डिप्रेशन में भी जा सकती थी, वो एक सोच को इतना नेगेटिव वो बना सकती थी जहां पर वो बोल सकती थी अरे ऐसा जीवन जीने से अच्छा चलो मैं मर जाती हूं, मगर नहीं। क्यों? क्योंकि उनका हर एक सोच, क्योंकि उनका प्राण प्रभु की बढ़ाई करता था, उनके चुनौती को नहीं, उनके प्रॉब्लम को नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या किस तरह से मेरे साथ व्यवहार करेंगे, वो सबको छोड़ो, जिसके साथ मेरा एंगेजमेंट हुआ है वो यूसुफ क्या कहेगा, यूसुफ ने छोड़ दिया तो बस मेरा जीवन तो खत्म उसी क्षण। मरियम ये सब सोच सकती थी क्योंकि वो हमारे जैसे वो मानव थी, सोच सकती थी, मगर ये सब होने के बाद भी मरियम चुनती है प्रभु को बढ़ाई देने के लिए, जैसे हम चुनते हैं कोई मोबाइल खरीदने के लिए रिव्यू करते हैं और बाद में हमको एक ही मोबाइल हमको पसंद आता है जो एक्चुअली सबसे हमारे लिए बढ़िया है, और हम उसके बारे में सोचते हुए हम उसे ले लेते हैं। एग्जैक्टली मरियम वो सोचती थी जिस तरह से प्रभु की बढ़ाई करना है, और वो उनके जीवन को सुरक्षित रखता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई गलत निर्णय नहीं लेती है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रभु यीशु खुद, Yohan 4:34। बढ़ाई करना मतलब सिर्फ ये नहीं, स्तुति करना, धन्यवाद करना, ऑफ कोर्स ये सारे इफेक्टिव हैं, मगर साथ ही साथ प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा प्रभु कैसे बढ़ाई प्रभु को, पिता परमेश्वर को करते थे, हम देखते हैं ये वर्सेस के द्वारा। पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ठीक है, ये एक मैं पूरा क्लब करूंगा। दूसरा वर्स हम लेते हैं Yohan 8
29, जॉन चैप्टर 8 वर्स 29। मेरे भाई और बहनों, क्रिस्ती जीवन मतलब ये जो आज हम सीख रहे हैं, चंगाई आपको प्रकट होते हुए देखना है ना, इसके अनुसार आप चलिए, प्रभु को बढ़ोतरी देते हुए, प्रभु के शब्द को बढ़ोतरी देते हुए। आप कभी भी दुश्मन को कभी हम हमारे जीवन में एंटरटेन करने नहीं देंगे, या उसको एक क्षण भी उसको हमारे वहां हमारे घर के ऊपर उसकी निगाह भी हम बैठने नहीं देंगे। पढ़ते हैं, चलिए यूहन चैप्टर 8 वर्स 29 से। हाँ, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रभु यीशु भले ही दुनिया में है, धरती में है, इज़राइल में है, मगर हृदय तो उन्होंने आबा पिता को दे रखा है। ठीक है, एक और योहान चैप्टर 6 वर्स 38, जॉन चैप्टर 6 वर्स 38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, क्या प्रभु यीशु के जीवन में दुश्मन थे? बहुत सारे। क्या लोग, जैसे आपको कई बार धमकियां मिलती हैं, क्या यीशु को मिला था? बहुत सारे। क्या लोग आपके पीठ पीछे बोलते रहते हैं? क्या प्रभु यीशु के साथ भी किया था? बहुत सारे लोगों ने किया था। मेरे भाई और बहनों, जो लोग हमारे साथ करते हैं, हम देखते हैं जो एक्चुअली प्रभु यीशु के विरुद्ध किया था, उसका 1% भी हमारे जीवन में लोग उतने विरुद्ध नहीं है जितना प्रभु यीशु के विरुद्ध थे। मगर तभी भी प्रभु यीशु वो जो प्रभु का योजना है उसे पूरा कर कर ये दुनिया से शारीरिक रूप से वो पुनरुत्थान होते हैं, आधा अधूरा करके नहीं या हार करके नहीं। उसका एक ही वजह है, क्योंकि यीशु उनके जीवन में अगर बढ़ाई करते थे, उसने क्या बोला, इसने क्या किया, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, उसने मेरे साथ क्या किया, ये सब भोज लेके नहीं। एक व्यक्ति निश्चय इस प्रकार का जीवन वो जीता है, वो अशांति का जीवन जिएगा, वो फ्रस्ट्रेशन का जीवन जिएगा। मगर प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं ये सब होते हुए भी प्रभु यीशु बोलते हैं, मेरा खाना तो सिर्फ मेरा पिता ने जो मुझे भेजा है उसकी इच्छा को करने वाला, वो मेरा खाना है। अब देख रहे हो फोकस किधर है? पिता परमेश्वर के ऊपर, उसकी इच्छा के ऊपर। दूसरा, अगर आप देखोगे योहान चैप्टर 8 वर्स 29 में, फिर से प्रभु की पूरा सोच, पूरा जो उनका बढ़ोतरी है, आबा पिता के ऊपर ही है, ये बोलते हुए है मैं अकेला नहीं हूं। भले ये शिष्य मेरे को अकेला अकेले छोड़ देते हैं, कई बार प्रभु उनके शिष्य को रात को वो सोते हैं और प्रभु यीशु कहीं और जगह जाते हैं, वो अक्सर हम देखेंगे मार्क में कि प्रभु जाते हैं और अकेले वो पिता परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। और क्रूस के ऊपर भी यही होता है, वो सब ट्रेनिंग था, ये फाइनल मैच जो उन्होंने कलवारी पर्वत पर हमारे लिए प्रभु ने विजय जीत किया। हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं मैं कभी भी मैं अकेला नहीं हूं, द फादर हैज नॉट लेफ्ट मी अलोन। आप देख रहे हो जब प्रभु के ऊपर वो मैग्निफाई करते हैं, भले ये लोग मेरे को छोड़ दें, मगर मेरा पिता मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। यहाँ पर ये लिखा है द फादर हैज नॉट लेफ्ट मी अलोन, मतलब मेरा पिता मेरे को छोड़ता नहीं है। फॉर आई ऑलवेज डू दोस थिंग्स दैट प्लीज हिम। सो इसका मतलब हर एक क्षण प्रभु यीशु के मन में था, अगर मैं ये कर रहा हूं क्या मेरे पापा को ये प्रसन्न करता है? आप समझ रहे हो, अभी मैं कुछ बोलता हूं क्या ये मेरे पापा को प्रसन्न करता है? अगर मेरी दोस्ती किसी के साथ है, वो दोस्ती क्या प्रभु को प्रसन्न करती है? ये चमत्कार मैं कर रहा हूं, क्या ये चमत्कार प्रभु को प्रसन्न करती है?
आप देख रहे हो हर एक पल प्रभु यीशु इतने कॉन्शियस है और प्रभु को बढ़ोतरी देते हुए प्रभु जो भी आबा पिता आप जो भी है सब कुछ आप मेरे लिए है, मैं वही करूं जो आप चाहते हैं। अब देखो दुश्मन कितना भी कचरा हमारे मन में फेंकेगा हमारे लोगों के विरुद्ध, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रभु से इतने हम जुड़ चुके हैं कि हमको अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुश्मन या लोग कुछ भी कचरा हमारे ऊपर फेंके। आप देख रहे हो इस तरह से प्रभु की बढ़ोतरी किया जाता है मेरे भाई और बहन। अभी जब एक व्यक्ति प्रभु और प्रभु की इच्छा और शब्द के ऊपर है, दुश्मन आएगा बीमारी के रूप में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी, वो व्यक्ति को पता रहेगा प्रभु ने क्या किया है इस बीमारी का हालत कलवारी पर्वत पर। वो बीमारी और बीमारी के सिम्टम को देखेगा, वो हंसेगा क्योंकि उसको मालूम है दुश्मन ये सिम्टम दिखाते हुए मुझसे झूठ बात कर रहा है, मगर सच्चाई ये है कि जब मैं प्रभु की बढ़ाई करता हूं ये सब सो धूल की जैसी है कि मैंने एक फूक मारा और यो चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लास्ट में वर्स 38, जॉन चैप्टर 6 वर्स 38, प्रभु फिर से बोलते हैं मैं स्वर्ग से मैं नीचे उतरा हूं क्या करने के लिए, मेरी इच्छा नहीं उसकी इच्छा, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को करने के लिए। लोग धरती में आते हैं वो एक्चुअली उनका पहचान भूल जाते हैं, धरती के लोग को देखते हैं और बोलते हैं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे शादी करना है। एक्चुअली अगर प्रभु की इच्छा है हम शादी का टॉपिक भी लेंगे इधर, शादी इसके लिए लोग नहीं करते हैं क्योंकि एज हो चुका है, शादी लोग इसके लिए भी नहीं करते हैं कि मेरे को प्यार हो गया है, नहीं लोग शादी करते हैं क्योंकि ये प्रभु का इच्छा है। बहुत कुछ है शादी के बारे में, मगर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पर हम प्रभु के इच्छा के बारे में हम सुन रहे हैं। प्रभु यही बोलता है मैं आया हूं ये धरती में उसकी इच्छा को करने के लिए, बस उसकी इच्छा को करने के लिए। प्रभु का पूरा फोकस पिता परमेश्वर के ऊपर है और इसके लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु उनके जीवन में 100% जो प्रभु की इच्छा है वो परिपूर्ण होता है, शैतान की कोई भी इच्छा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, मैं फिर से बोलता हूं प्रभु यीशु के जीवन में अगर हम देखेंगे एक भी शैतान की इच्छा या चमड़ी की इच्छा या खुद की इच्छा नहीं होती है, ये सबकी हार होती है, एक की ही की जीत होती है, वो है आबा पिता प्रभु के इच्छा को जानते हुए और उसके अनुसार चलते हुए। एक और व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं जिसका नाम है अब्राहम, अब्राहम। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वो 16। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों हम सीख रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं प्रभु को कैसा बढ़ोतरी देना है। उससे पहले आप किसको बढ़ोतरी देते हो? अगर मैं ये उंगली को मैं बोलूं थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है मेरे लिए, वो दर्द अगर मैं इसके बारे में सोचूं मेरे लिए दर्द यहां पर हो रहा है मतलब मेरे पूरे शरीर में हो रहा है, हम लोग इतना कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर मैं बोलूं अरे दर्द है तो है मगर प्रभु यीशु ने वो दर्द को ले लिया है, अब इसका कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर में रहने के लिए, आप मानो या ना मानो कुछ ही क्षण में आउट। क्यों? क्योंकि महत्व दिया ही नहीं है। चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। ऐसा सोचो आपके घरों में गेस्ट आते हैं, पहला क्वेश्चन ये है गेस्ट आते हैं, वेरी गुड, ठीक है गेस्ट, ठीक है गेस्ट आते हैं और गेस्ट आपके घर में आए, आपके ड्राइंग रूम में बैठे, सोफा में बैठे और उसके बाद आप उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, टीवी बाजू में चल रहा है, सब लोग सब घर वाले सब टीवी को ही देख रहे हैं, गेस्ट आए हुए हैं मगर आप गेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं, टीवी को ही देख रहे हैं, अरे क्या स्कोर चल रहा है, क्या बैटिंग मारा उसने, अरे क्या बॉलिंग मारा उसने, अरे उसको आउट कर दिया, आउट कर दिया, और गेस्ट बाजू में बैठे हैं, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, अभी गेस्ट वाले क्या बोलेंगे, आपके गेस्ट कितने अच्छे लोग हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। मैं बताता हूं गेस्ट वाले बोलेंगे अच्छा ठीक है आप लोग बिजी हो तो हम लोग बाद में आते हैं करके, वो लोग उठेंगे, हाँ या ना,
राइट, वो लोग बोलेंगे अरे आप लोग बिजी हो तो ठीक है, हम लोग बाद में आते हैं। ये क्यों बोला? क्योंकि आपने कोई महत्व दिया ही नहीं। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, दुश्मन जो अनइनवाइटेड चीजें हैं हमारे जीवन में, ये सारे चीजें लाता है। मगर जब एक व्यक्ति जब उसे कोई महत्व नहीं देता है, चाहे वो पाप हो, चाहे वो दुश्मन के आकर्षित चीजें रहे, चाहे वो बीमारी रहे, चाहे वो बंधन रहे, चाहे वो किसी भी प्रकार की परेशानी रहे, जब आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ना, दुश्मन खुद शर्माएगा और बोलेगा मैं क्या कर रहा हूं किसी के जीवन में आकर, ये तो मेरे को भावी नहीं दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा फोकस प्रभु और उसके शब्द के ऊपर है। कीजिए, आज से कीजिए, प्रभु के शब्द के ऊपर महत्व देते हुए, प्रभु को महत्व देते हुए। देखिए आपके जीवन में जो परेशानी, जो दुख है, जिसके जिसके लिए हम रोते हैं, जिसके लिए हम परेशान होते हैं, वो सब बंद हो जाएगा अपने आप, अपने आप। और ये हम अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं अब्राहम, रोमन्स चैप्टर 4:16। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। अधिग्रह प्रभु का शब्द बताता है, इट इज ऑफ फेथ। हमारा विश्वास प्रभु के अनुग्रह के ऊपर आधारित है। फिर से पढ़िए। इसी प्रकार प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। ठीक है, सो वर्स 16 इस तरह से स्टार्ट होता है, देयरफॉर इट इज ऑफ फेथ दैट इट माइट बी अकॉर्डिंग टू ग्रेस। प्रभु क्रिस्ती जो जीवन है वो पूरे विश्वास पे टिका हुआ है, हमारे कर्मा के ऊपर नहीं। क्रिस्ती जीवन कर्मा के ऊपर नहीं है, जो हम कर्म करेंगे उस कर्म को प्रभु देखेगा नहीं। यहाँ पर देखिए, विश्वास के ऊपर है। विश्वास मतलब जो प्रभु का शब्द कहलाता है, हम क्या विश्वास करते हैं। देयरफॉर इट इज ऑफ फेथ, वो विश्वास के ऊपर है, ताकि उसके अनुग्रह के द्वारा हम हर एक प्रभु के प्रतिज्ञा को परिपूर्ण देखें। प्रतिज्ञा मतलब हर एक प्रभु के शब्द को संपूर्ण होते हुए देखें। अगर प्रभु का शब्द बताता है अब्राहम को कि तेरे को संतान मिलेगा, अभी वो उसका शरीर को नहीं देखता है, वो उसके कर्म को नहीं देखता है, वो उसके प्रभु के शब्द को देखता है और वो विश्वास करता है। और प्रभु का शब्द यही बताता है कि क्या हम विश्वास करते हैं। प्रभु का शब्द तो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के कृपा के द्वारा हम उसकी हर एक प्रतिज्ञा हम पूरा देखेंगे। अगर प्रभु बोलता है तेरे को बच्चा मिलेगा, तो उसने प्रतिज्ञा दिया है, बच्चा विश्वास अनुग्रह के द्वारा उसको मिलता है। वैसे ही अगर प्रभु बोलता है तुम चंगे हो चुके हो, ऑफकोर्स प्रभु बोलते हैं। अभी वो कैसे कार्य करता है? क्योंकि प्रभु ने बोला है, विश्वास उस कृपा जो प्रभु ने कलवारी पर्वत से हमको दिया है, उसके द्वारा हम देखते हैं एक के जीवन में प्रभु की चंगाई। मगर प्रभु की ये तो प्रतिज्ञा है, ये तो प्रभु के शब्द हैं, मगर उसमें सबसे मेजर पार्ट हमको करना है, वो है किसके ऊपर बढ़ाई देना है। प्रभु ने तो बोला तुमको संतान मिलेगा, अभी लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ये अब्राहम ने, उसने बढ़ोतरी उसने अपने शरीर को नहीं मगर प्रभु के प्रतिज्ञा को दी विश्वास करते हुए। और हम देखते हैं उसके शरीर को अगर देखेगा तो मरा हुआ व्यक्ति दिखेगा। यही हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4:19-21। पढ़िए। वह जो एक 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। अब देख रहे हो, विश्वास में निर्बल ना रहो, उसने कर्म को नहीं देखा, उसने अपने शरीर को ना देखा,
क्या पीड़ित हूं मैं, क्या वीकनेस है। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रार्थना तो करते हैं चंगाई के लिए, मगर एट द सेम टाइम हम कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अभी शरीर को क्या हो रहा है, अभी बीमारी बीमारी का हाल क्या है। हम कई बार उस चीज को हम देखते हैं, मगर अब्राहम ने कभी देखा ही नहीं। उसने सिर्फ यही विश्वास किया, अगर प्रभु ने बोला है दैट्स इट, इट इज डन। वर्स 21 पढ़िए, ठीक है, वर्स 20 पढ़िए। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आप देख रहे हो, विश्वास में दृढ़ होकर वो प्रभु की महिमा करता है, वो प्रभु की बढ़ोतरी करता है। प्रभु प्रभु अगर आपने ये बोला है, ये तो होना ही है, होना ही है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, भले मेरा अंग बोलता है तू बूढ़ा हो चुका, तू 100 साल का बूढ़ा हो चुका है, तू वीक हो चुका है, यू हैव बिकम फ्रेजाइल, बट येट ही सेज द वर्ड ऑफ गॉड हैज नॉट बिकम फ्रेजाइल। मगर प्रभु का शब्द वो नाजुक नहीं हुआ है। इस तरह वो प्रभु की बढ़ाई करता है। और उसके बाद वर्स 21, और निश्चय जानना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आप देख रहे हो, जो प्रभु की बढ़ाई करता है वो ये भी बोलता है, प्रभु तुमने अगर शब्द बोला है तुम समर्थ हो प्रभु उसे पूरा करने के लिए। ठीक है, ये है अब्राहम की बढ़ाई। दूसरी बढ़ाई हम देखते हैं दाविद के जीवन में। मैं आपको नंबर्स दूंगा, आप लिख लीजिए और आप बाद में पढ़ सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है अभी पढ़ने के लिए। एक है 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 4 से 11, 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 16 और 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 34 टू 37। ठीक है, वो ये सब मैं YouTube में मैं पेस्ट कर दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। फिर से मैं बोलता हूं, 1 सैमुएल चैप्टर 17, एक्चुअली ये पूरा एक चैप्टर है, आप वो पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट, जब इजरायली लोग जब वो गोलियात के बारे में सुनते हैं, वो देखते हैं अरे गोलियात कितना बड़ा है, गोलियात के पास उसके पास क्या क्या है, कितने सारे लोग है। और जब वो बोलता था लोग कांपते थे, क्योंकि लोग गोलियात को बढ़ाई देते थे। वो बोलते थे कितना बड़ा मानव है, हाउ बिग दिस पर्सन इज, और इसके लिए वो कभी लड़ नहीं पाए। हमारे जीवन में हम रोते और हारते क्यों है मालूम है, क्योंकि हम परिस्थिति को देख के हमने ऑलरेडी हार मान लिया है, और उसके बाद हम हार के ऊपर हम हार देखते हैं। मगर जो व्यक्ति स्थिति को देखता नहीं है, प्रभु की बढ़ाई करता है। दाविद ने कभी नहीं बोला ये जायंट है, दाविद ने ये कभी बोला नहीं कि ये कितना बड़ा है। वो हर बार यही बोलता था, ये कौन है ये अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्टाइन, मतलब जो व्यक्ति जिसके साथ प्रभु नहीं है, ये क्या हमको हानि पहुंचाएगा। हम देखते हैं वो हर बार प्रभु की बढ़ाई करता है, और प्रभु की बढ़ाई करते हुए वो गोलियात की कभी बढ़ाई वो देखता भी नहीं है। और हम देखते हैं ये अकेला व्यक्ति गोलियात को मार देता है। मेरे भाई और बहनों, बहुत बार हमारी बीमारियां ये गोलियात जैसी रहती हैं, जहां पर हम बोलते हैं गोलियात आ गया, किसी और गोलियात का नाम, आप कोई भी बीमारी का नाम आप ले सकते हैं उसका जगह, और लोग घबराते हैं। अभी गोलियात को भगाना है, मगर लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं, लोग रोने लगते हैं, लोग हारने लगते हैं। और वो गोलियात एक के शरीर में, एक के परिवार में वो बस जाता है। मगर दाविद जैसे जब एक व्यक्ति प्रभु पर ही वो बढ़ाई करता है, प्रभु के शब्द को वो बढ़ाई करता है, वो गोलियात जैसे चीजों को वो बाएं हाथ का खेल देखकर वो हरा देता है। अभी आप चुनो, आपको वो इजरायली लोगों के जैसा रहना है, परिस्थिति और डर और बीमारी, लोग क्या करते हैं, परिवार क्या करता है उसके ऊपर सोचते हुए, उसकी बढ़ाई देते हुए, या दाविद जैसे प्रभु और प्रभु के शब्द को
महत्व देते हुए, बढ़ाई देते हुए और जीत के ऊपर जीत देखते हुए। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जोशुआ के जीवन में, नंबर्स जिसको बोलते हैं गणनी, चैप्टर 13 वर्स 30 से वर्स 30-33। यहां पर प्रभु बोलता है मैं तुम्हें ये जगह दे रहा हूं। मूसा ने कुछ लोगों को भेजा वो जगह को देखने के लिए जो प्रभु उनको देना चाहता है। बहुत सारे लोगों ने बोला अरे हम तो उनके सामने कीड़ी जैसा है, मगर कैलेब और उसके साथ जोशुआ वो लोगों का देखने का नजरिया अलग था। क्यों? क्योंकि ये दो लोग प्रभु की बड़ाई करते थे और ये लोग बोलते थे नहीं, हम लोग आसानी से, भले लोग कितने भी खतरनाक हैं, भले उनके जो सिटी है बहुत सुरक्षित है, मगर हम प्रभु के द्वारा हम वो जगह पर जीत ला सकते हैं। और उधर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और जो लोग नेगेटिव संदेश लेके आए थे वो सब मर जाते हैं, दे आर पेरिश्ड। एंड पीपल लाइक कैलेब एंड जोशुआ, ये दो लोग क्योंकि उन्होंने प्रभु की बड़ाई दी, प्रभु की बड़ाई देते हुए उन्होंने स्थिति देखा कि हम जीत सकते हैं, सिर्फ ऐसे लोग वो जीते हैं। मेरे भाई और बहनों, लास्ट में आप सबको मैं बताना चाहता हूं, बढ़ाई, जीवन में बढ़ाई देना बहुत जरूरी है, मगर आप किसको देते हो वो उससे भी जरूरी है। हम बढ़ाई दें तो दें प्रभु और उसके शब्द और उसके काम को, दुश्मन खुद लज्जित होते हुए, आप बिना एक शब्द बोलते हुए भी वो छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसको पता चलेगा ये घर में कोई ना मेरे को रिस्पेक्ट करता है, ना कोई मेरे को महत्व देता है, मेरे को लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि जैसा मैं हुई नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोगों को मैं मिला हूं जहां पर वो बोलते हैं ओ शैतान ये ओ ऐसा ऐसा करके, और वही लोग कंप्लेन लेके आते हैं मेरे को सोने में डर लगता है, मेरे को नींद में वो होता है, मेरे को इस तरीके से मेरे को अनुभव होने लगा है। क्यों? क्योंकि शैतान को वो लोग हर एक पल शैतान को ही, शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, शैतान ने ऐसा करवाया, उसने वैसा किया। प्रभु से ज्यादा तो इसको बढ़ाई मिलती है, तो इसके लिए छोटी से छोटी चीजों में भी वो बोलते हैं कि देखो दुश्मन ऐसा कर रहा है, मगर क्यों ना हम प्रभु की बढ़ाई करें, जिस प्रकार प्रभु का शब्द बताता है, जो उदाहरण हमने देखा, और प्रभु की जीत के ऊपर जीत, चंगाई के ऊपर चंगाई, और प्रभु की मुक्ति के ऊपर मुक्ति अनुभव करते हुए ये जीवन हम जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद करें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके महान सामर्थ प्रभु हम सबके जीवनों में। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हम सबको प्रभु ये सिखाने के लिए कि कितना जरूरी है आपको ही, आपके शब्द को ही, आपकी उपस्थिति और आपके हर एक काम को ही प्रभु हम महत्व दे, बढ़ाई दें, हम आपके कार्य को देखते रहे प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक बहुत बड़ा हथियार दिया है। भजन संहिता चैप्टर 8 वर्स 2 के अनुसार वो है स्तुति आराधना का वरदान। प्रभु हर एक पल आपकी इच्छा को जानते हुए, आपके ऊपर ही मन बनाए हुए प्रभु हम आपकी बढ़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें और आपके हर एक कार्य को प्रभु सफलतापूर्वक देखते हुए आपकी महिमा के लिए जी। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं इस गीत के द्वारा। देते
प्रभु हम आपको ही बधाई दे, आपको ही महत्व दे, प्रभु हम आपको प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ, प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाओ कि मैं I'm not afraid to die.
प्यार प्रभु यीशु हम सबको बुला देता है। प्रभु यीशु कैसी परिस्थितियों से हम चल रहे हैं और प्रभु आपका प्यार हमें मदद करता है। आपके प्यार को ही प्रभु बढ़ोतरी दें। मे वी मैग्निफाई यू एंड योर लव लॉर्ड जीसस। द मोमेंट व्हेन वी स्टार्ट मैग्निफाइंग योर लव प्रभु, हर एक बंधने प्रभु यीशु एक धागे जैसा टूटने लगता है। और अभी इसी वक्त हर एक व्यक्ति, हर एक प्रकार के बंधने, हर एक प्रकार के डर, हर एक प्रकार के बीमारियों से प्रभु यीशु मुक्त हो रहे हैं प्रभु। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम कुछ लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे भाई शैलेश मकवान के लिए, यीशु मसीहा के नाम से। जो भी वो वायरस है, तेरा कोई अधिकार नहीं है इस भाई के शरीर में रहने के लिए, और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी या किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें अनुभव करवाने के लिए जो प्रभु की कभी इच्छा नहीं है, यीशु मसीहा के नाम से शैलेश भाई को प्रभु आपके पुत्र के लहू के द्वारा हम मुक्त करते हैं। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम। हर एक सिम्टम यीशु मसीहा के नाम से अभी इसी वक्त आदेश देता हूं, निकले। प्रभु हम हमारे भाई जॉन मैकवान को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, जो आईसीयू में है। यीशु मसीहा के नाम से इनके हर एक अंगों को प्रभु विशेष के लिए, इनके हृदय को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हुए, आपके शब्द पर खड़े होते हुए प्रभु हर एक उनके हृदय के भाग यीशु मसीहा के नाम से अभी इसी वक्त स्वस्थ हो जाए। यस, आई कमांड हीलिंग इन जीसस नेम, प्रेशियस होली ग्लोरियस होली नेम। उनके सर से पैर तक हर एक अंग अंग यीशु मसीहा के नाम से सदा सर्वदा के लिए स्वस्थ हो जाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सबके लिए प्रभु यीशु आपने खून बहाते हुए चंगाई हम सबको दी है। आपने एक प्राइस पे किया है प्रभु, कीमत चुकाई है प्रभु। हर एक व्यक्ति, हर एक अशुद्ध आत्मा है और हर एक अशुद्ध आत्मा की शक्तियां, हथियार और हर एक प्रकार के कार्य से मुक्त हो जाए। और इसी वक्त प्रभु जो आपने कीमत जो चुकाई है प्रभु यीशु मसीहा के नाम से प्रभु, हर एक जीवन में वो प्रकट हो और हर एक व्यक्ति आपकी चंगाई और आपका सामर्थ और आपके हर एक भेंट जो आपने आपके मार खाने, आपके जन्म मार खाने और क्रूसित और पुनरुत्थान के द्वारा दिया है यीशु मसीहा के नाम से, हर एक के जीवनों में संपूर्ण हो। होले में दे रे बे हे बाबा हलम दरा राबा ओ राबा शम दरा राबा ये लम दरा राबा हे बाबा राबा दरा नम दरा राबा ये लम दरा। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु मसीहा के नाम से किसी भी प्रकार का गैर समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग, लोग जब रियलाइज नहीं करते हैं, रियलाइजेशन यीशु मसीहा के नाम से वो सारे बंधनों को हम तोड़ते हैं प्रभु यीशु। और आपका प्यार प्रभु, आपका एक मन प्रभु, एक हृदय प्रभु यीशु, प्रभु हर एक व्यक्ति उसके द्वारा एकता में बनाए हुए प्रभु यीशु, हम सब आपके राज्य में एकता बनाए हुए आपकी बढ़ोतरी करते जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों। एलन को देखता हूं तो मेरे को फिर से याद आता है मेमोरी वर्स। ठीक है, तो मेमोरी वर्स हमारा रहेगा 1 पेत्रुस 5:7, 1 पीटर 5:7। इसके ऊपर हम मनन चिंतन करें, इसके ऊपर हम खुद देखें कि हमने सारा भार प्रभु को दे दिया है, प्रभु को समझते हुए, प्रभु से पहचान जानते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु को ये सत्य हमारे बीच में खुलासा करने के लिए, और धन्यवाद आपके समय के लिए मेरे भाइयों और बहनों,
और आपके विश्वास के लिए। कल फिर से हम 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड और सत्य जानते हुए और अनुभव ये जीवन हक से जीते हुए जो प्रभु ने हमें दिया है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय।